टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर भाई, यहाँ पे टपकता है। जय देख रहे हो, बिल्कुल गुफा में है माता वैष्णो देवी की। और भाई बहुत छोटी है सही में गुफा तो। अब यार लंबे आदमी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है भयंकर। जी गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और मैं लेके आ चुका हूँ देहरादून वाले व्लॉग का सेकंड पार्ट। और मस्त तरीके से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और गुच्छू पानी हम घूम लेते। और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले भाई नाश्ता सर्च करने के लिए, क्योंकि भाई बहुत भूख लग रही है, पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। एंड गाइज उसके बाद हम जा रहे हैं टपकेश्वर, और फिर उसके बाद हम एक और वीडियो जाएंगे, वो शायद तीसरे व्लॉग में आएगा। तो पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मस्त तरीके से हम आगे चलते हैं टपकेश्वर मंदिर में। ठीक है, मसूरी है गाइज, वो पूरा मसूरी है। देखो वहाँ पे पूरे पहाड़ों में वहाँ पे घर ही घर है, एंड सामने व्यू देख सकते हो पहाड़ों में। और भाई वो देखो वहाँ पे भयंकर पहाड़ों में यार एक फार्म हाउस टाइप में, वो बहुत बढ़िया भाई साहब, बादल आ रखे भाई यार, क्या फील आता होगा वहाँ पे, क्या व्यू आता होगा, पूरा देहरादून दिखता होगा। ठीक है गाइस, ये है मिलिट्री के क्वार्टर, जो बड़े ऑफिसर लाइन पे होते हैं ना, या थोड़े मतलब सही लेवल पे होते हैं, तो उनके क्वार्टर है यहाँ पे। मिल गया एक प्यारा सा मंदिर जो है माता रानी का, और इसमें हम जा रहे हैं एंट्री करने। ठीक है, मत्था टेक के आते हैं यार, क्योंकि घूमने आए तो गाइस ऐसी जगह भी जाना जरूरी है यार, मंदिर में भी ऐसा थोड़ी है। तो चलिए चलते हैं, चप्पल तो बाहर निकाल दिए, और ज़ोर से बोलो जय माता दी। बहुत ही प्यारा मंदिर है, ठीक है, जय माता दी, ज़ोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, साफ़ सुथरा है गाइस, जय माता दी। और यहाँ पे कथा चल रही है, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी का देखो कितना प्यारे तरीके से यहाँ पे श्रृंगार किया गया है, और माता रानी कितने अच्छे तरीके से विराजमान है। और ये हमारी माँ दुर्गा है, तो माँ दुर्गा लगा देना जय माता दी बोल के, एंड सब भगवान जी को मेरा नमन है, जय काली माता जी, जय हनुमान जी। कहीं बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। माता रानी के पास खड़े होकर तो सबको पॉजिटिव वाइब्स आती है, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय काली माता दी, बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय, राधे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभु भोलेनाथ। भगवान जी पे जल अर्पण करते हैं, हर हर महादेव। अंकित भाई भी यहाँ पे जल अर्पण करते हुए भगवान भोलेनाथ जी को, हर हर महादेव, जय शिव शंभु भोलेनाथ, हर हर महादेव। भी यज्ञ कुंड जहाँ पे यज्ञ होते हैं, काफ़ी अच्छी साफ सफाई और काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है, देख रहा हूँ, बहुत ही प्यारा। चलिए गाइस चलते हैं, दर्शन करने का अलग ही मजा आता है, जहाँ पे बिल्कुल शांति हो और पिन ड्रॉप साइलेंस हो, ऐसे ही अंदर था और मस्त कथा चल रही है ना, आराम से दर्शन कर सकते हैं। वही तो, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बहुत ही प्यारा जगह मंदिर है, चारों तरफ यहाँ पे पेड़ है, हरियाली है। और गाइस यही तो मज़ा है, यही तो वाइब्स हैं जो आनी चाहिए आप तक, आप सब तक भी आनी चाहिए। ठीक है गाइस, आर्मी का पूरा प्ले ग्राउंड है, जहाँ पे देखो कितनी भीड़ लग रही है, सब यहाँ पे आर्मी के बंदे खेलते हैं मोस्टली। बड़े ही प्यारी जगह पे यार, क्या घर बनाए हैं और क्या व्यू आ रहा है यार, अल्टीमेट ही व्यू आ रहा है यहाँ पे, देख रहा कि तो स्वर्ग से कम नहीं है भाई, ये हेवन। श्री टपकेश्वर महादेव जी का टेंपल इस गली में, तो यहाँ पे चलते हैं। अरे यार स्कूटी स्टार्ट हो जा, चलिए कॉलोनी के अंदर है जाके टपकेश्वर मंदिर, देख रहे हो जैसे गुच्छू पानी था ना वैसे ही ये भी है, ये भी देखो बिल्कुल ऐसे नीचे जा रहे हैं हम, समझ गए गाइस। अब यहीं पे अंदर टपकेश्वर पड़ जाएगा, यहाँ पे टपकेश्वर मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। ये है यहाँ पे भगवान श्री टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर का द्वार, ठीक है। अब इससे हम एंट्री लेंगे, पहले हम यहाँ पे लेते हैं मस्त
प्रसाद कितने कितने वाले भैया? 50 वो ले लेते हैं, 50 वाला कर दो भैया। हाँ दो ये ले लिया प्रसाद, और बस हम चलते हैं और भगवान टपकेश्वर महादेव जी के दर्शन करके आते हैं और मत्था टेक के आते हैं। ठीक है, एंट्री कर रहे हैं। चलिए तो अंदर जाके, अभी बिल्कुल नीचे जाके भाई, ये भी टपकेश्वर महादेव। अच्छे से हम सीढ़ियों के रास्ते से नीचे चले जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी नीचे जाके है, और टपकेश्वर है तो यहाँ पे कुछ पानी वानी टपकता है ऐसा कुछ मैंने सुना है। बाकी तो मेरे को देखूंगा क्योंकि मेरे को नहीं पता ना इतना। ठीक है, बाकी चल रहे हैं। ठीक है गाइस, हर हर महादेव। और हनुमान जी की भाई देख रहे हो कितनी बड़ी मूर्ति भाई साहब। हर हर महादेव, जय शिव शंभु भोलेनाथ। कितनी बढ़िया जगह पे, ये भी ऐसी ही है पहाड़ों के बीच में, बिल्कुल हर जगह पे हमें मंदिर मंदिर है। देख रहे हो क्या व्यू आ रहा है। अरे भाई साहब, माता वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर, टपकेश्वर, सारे मंदिर घूम के जाएंगे। ठीक है, टपकेश्वर महादेव जी। और यहाँ पे देखो, इसे टपकेश्वर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे देखो पानी टपकता है ना इसलिए। और पंडित जी के मैंने अनुमति से यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ इसीलिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभु भोलेनाथ। हर हर महादेव। महादेव जी के पास आके हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभु भोलेनाथ। अच्छा मंदिर है पूरे टपकेश्वर महादेव जी का। हर हर महादेव, जय शिव शंभु भोलेनाथ। बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और यहाँ पे 1-2 रुपये जितने भी हो तो वहाँ पे चिपका सकते हैं, शायद मनोकामना पूरी होती होगी इससे। अच्छा मंदिर बनाया है एकदम साफ सुथरा, और भाई क्या व्यू आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है। बहुत पहाड़ों के बीच में जैसे टपकेश्वर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी टपकता रहता है ना इसलिए, और यहाँ पे हर जगह पानी पानी है, पूरे में पानी पानी टपकता है देखो, इसलिए इसे टपकेश्वर बोला जाता है यहाँ पे। ओ भाई साहब, काफ़ी बेहतरीन व्यू है ना। चलो टपकेश्वर महादेव की जय। शिवलिंग है भी हर हर महादेव, और महादेव जी को यहाँ पे विराजमान किया गया है। जय नंदी जी की, जय हो टपकेश्वर महादेव। भाई देख लो कितना छोटा रास्ता है भाई, टपकेश्वर महादेव जी को। और भाई देखो कितनी छोटी, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, हर हर महादेव, टपकेश्वर महादेव जी के दर्शन हो गए। और भाई कमर दर्द कर गई भाई, ऐसे घूमते घूमते आए बहुत दर्द हो गया भाई क्योंकि बहुत देर से ऐसे घूम रहे थे, और भाई हर जगह पे पानी टपक रहा, हर जगह पे। आ जाओ सर, आ जाओ, देख रहे हो पानी का भाव यहाँ पे कितना तेज है। और अब उधर वाले जाएंगे माता वैष्णो देवी की गुफा में, तो वो भी टपकेश्वर है। माता वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर, टपकेश्वर, तो ये सारे मंदिर टपकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। तो बिल्कुल शांति वाले माहौल हो रहा है, बहुत बढ़िया। और पानी का भाव तो आपको पता ही है, वहाँ पे भी आ रहा था और यहाँ पे भी आ रहा है, क्योंकि वो पानी यही पानी वहीं से आ रहा है ना, तो भाई काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। एंड बाकी चलते हैं, ठीक है, मज़ा आ गया। सामने वाली गुफा में जा रहे हैं जो है वैष्णो देवी माता की, और इस ब्रिज से क्रॉस करके जाएंगे। ब्रिज क्रॉस कर रहे थे भयंकर हम उधर जा रहे थे, और यार देख रहे हो यहाँ पे क्या व्यू आ रहा है, पूरी वैली टाइप में लग रही है यार, वैली है। और जहाँ पे पानी आ रहा है उधर टपकेश्वर महादेव है, इधर माता वैष्णो देवी की गुफा है टपकेश्वर वाली। ठीक है, तो चल रहे इधर भी चलते हैं, उधर तो घूम के आ गए। ठीक है, कृष्णा जी को यहाँ पे गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाया गया, और भाई देख रहे हो कितनी बढ़िया कलाकारी दिखाई गई, और पर्वत तो है ही ऊपर, और बस यहाँ पे कलाकारी दिखाई, और देख रहे हो यहाँ पे कितना बढ़िया, वाह। जय कृष्णा जी की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। देखो टपकना स्टार्ट हो गया पूरे, और यहाँ पे गुफा है। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। और ये देखो टपकेश्वर भाई, भाई ये बाहर टूटने डर लगता है भयंकर, कभी टूट ना जाए भाई। आप जरूर आना यहाँ पे, देहरादून में बहुत ही बढ़िया है टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर में, जो कि बहुत ही प्यारा मंदिर है। और भाई मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जन्नत में आ गए, हेवन में आ गए हो। और जैसे कि आप सामने देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, नज़ारा ही एकदम अल्टीमेट है। और बहुत ही पौराणिक मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक मंदिर है देहरादून में। आपको भी चलते हैं गुफा के अंदर, और वहाँ के अंदर जाके दिखाएंगे, और बस चलो चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। चलिए माता वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर, जय माता दी। ओ भाई साहब, अरे भाई एडवेंचर, अल्टीमेट थ्रिल, सब कुछ आ गया गाइस यहाँ पे। अरे चश्मा गिरा दिया, चलो 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 भाई चलो। अरे भाई साहब, बच के जाना रे बाबा, बच के जाना रे, मेरा भी चश्मा गिर गया। और गाइस देख रहे हो बिल्कुल गुफा में है माता वैष्णो देवी की,
और भाई बहुत छोटी है सही में गुफा तो ये। अबे यार लंबे आदमियों के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है भयंकर, बड़ी खतरनाक गुफा है। कैसे निकलेंगे? जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता रानी की पिंडिया, तीनों की तीनों जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। हम आ चुके हैं एग्जिट में और यहाँ पे भगवान भैरव देव जी को विराजमान किया गया है, वो आप सबको पता पूरी स्टोरी सुनी होगी और आपको माता रानी के भी दर्शन करा दिए और महादेव जी के भी, और इतने पवित्र मंदिर में आज हम घूमे और होप करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा। बाकी हम बाहर चलते हैं ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया घूमते घूमते, ठीक है। बहुत मज़ा आ गया, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आई और मन अंदर से पवित्र हो गया बहुत ही। हमारा हो रहा है 10 बजे ब्रेकफास्ट और विद लस्सी के साथ भाई आलू के पराठे देखो कितने बड़े, और उसके बाद में अचार, मिक्स अचार और भाई हरी चटनी। तो भाई मस्त हम इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत भूख लग रही है भाई, मतलब पराठे पराठे पहन लेंगे आज तो, हैं आगे और भी जगह घूमना है ना, अभी तो 10 ही बजे गाइस, बहुत टाइम है अभी हमारे पास। अभी हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे छोले भटूरे, भाई साहब एक ही प्लेट मंगाए क्योंकि ज़्यादा मन नहीं है, क्योंकि हमने पूरा भाई आलू के पराठे फिनिश कर दिए और भूख ज़्यादा लग रही थी तो एक प्लेट ही मंगाए, ज़्यादा नहीं, और उसमें विद प्याज एंड छोले हमारे ये रहे और मस्त इंजॉय करते हैं छोले भटूरे, ठीक है। करते हैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड, और आपको पूरे टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर में मस्त घुमा दिया। और गाइस धूप हो गई काफ़ी ज़्यादा, 11:30 बज गए, ब्रेकफास्ट भी हो गया, और अब चलते हैं एक और जगह अच्छी जगह और उसे मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। बाकी इस व्लॉग को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना एंड ज़रूर से शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को राम राम जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, चलो।